हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अभी कार में बैठी हूँ और हम कहीं जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं, क्या टाइम हुआ अभी, कहाँ देखेगा, हाँ 9:22। और हम लोग जा रहे हैं नॉटिंगम, ये एक और सिटी है इंग्लैंड में। अब नॉटिंगम हम क्यों जा रहे हैं वो तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, लेकिन आज हम क्या क्या करने वाले हैं पता नहीं। नॉटिंगम जा तो रहे हैं लेकिन रास्ते में सोच रहे हैं एक जगह पे स्टॉप ओवर करें। अब वहाँ पे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे मालूम नहीं है, वो भी ऐसे दिमाग में भी प्लान आया बना है कि वहाँ पे चलते हैं, शायद वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अच्छा एक्टिविटी मिल जाएगी करने के लिए। तो अभी हमें जो जाना है, अभी नॉटिंगम यहाँ से 110 miles है एंड 1 hour 57 minutes लगेंगे वहाँ पहुँचने में। सो अराउंड अबाउट 11:30 मॉर्निंग में उसके पहुँचेंगे वहाँ पे। बट लेट्स सी हम वहाँ पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। एंड अभी हम मोटरवे पे हैं तो जहाँ रास्ते में रुकेंगे फिर मैं आपको और दिखाऊंगी वहाँ पे क्या है। रास्ते में अगर कुछ अच्छी सीनरी आती है, रास्ते में अगर व्यू अच्छा होगा तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। सो बने रहिए, देखते हैं आगे। इतना रोड वर्क्स है ना मोटरवे में कि ट्रक के ट्रक मिल रहे हैं, इतनी स्पीड स्लो हो रखी है इस रोड वर्क के कारण। ऐसे लग रहा है ट्रक्स के बीच में हम ही चले जा रहे हैं, सारे ट्रकों के बीच में इतनी स्लो हो रखी है स्पीड। और जैसे इंडिया में नेशनल हाईवे होता है ना, तो वैसे यहाँ पे जो है मोटरवेज होते हैं। तो ये M1 है, जैसे NH1 होता है इंडिया में, वैसे यहाँ ये M1 है। देखो कितना ट्रक से ट्रैफिक ट्रैफिक मिल रही है, लग ही नहीं रहा कि हम मोटरवे ड्राइविंग कर रहे हैं। नॉटिंगम पहुंच गए हैं और नॉटिंगम के पास है शेरवुड फॉरेस्ट। और शेरवुड फॉरेस्ट बहुत फेमस है रॉबिन हुड के लिए, बिकॉज यहाँ पे ही वो रहता था, द मोस्ट फेमस स्मार्टन बोल दो या थीफ बोल दो, जो वो यूज्ड टू क्या कहते हैं, यूज्ड टू लूट रिच पीपल एंड देन ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट to poor people. So this is where it was, this is where he used to live, Robin Hood in Sherwood Wood forest. To usi ke liye aaye hain yahan pe, bahut sari trails bana rakhi hain and different trails hain jo aapko center of the forest leke jaati hain. So mujhe malum nahi hai ki wahan pe kya hai, koi ek famous oak tree hai and beech beech mein information de rakhi hai unhone. So I guess as we go along to pata chalta jayega कि क्या है। एंड हमने जो छोटी हमने ट्रेल ली है वो है, इट विल टेक अस अराउंड आई थिंक 1 hour 15 minutes वो पूरा एरिया कवर करने में। सो देखते हैं, आई जस्ट होप रेन ना हो, बिकॉज वेदर तो ऐसा ही है, बीच में रेन भी हो रही है। तो लेट्स सी क्या आता है आगे। ओल्डन डेज में, पुराने टाइम में क्या होता था कि ये जो रोड है द ग्रेट नॉर्थ रोड, ये इस फॉरेस्ट के बीच में से जाता था और वो लंदन और यॉर्क को कनेक्ट करता था। तो ये बहुत डेंजरस रोड था क्योंकि शेरवुड फॉरेस्ट में बहुत सारे रॉबर्स रहते थे और रॉबिन हुड तो उनका लीडर था। तो जितने भी ट्रैवलर्स जो हैं यहाँ से गुजरते थे, बिकॉज यही एक रास्ता था, तो मोस्ट ऑफ देम यूज़ टू गेट रॉब्ड। सो दैट इज़ वाई इट यूज़ टू बी वेरी डेंजरस रोड, डेंजरस पोर्शन ऑफ दिस रोड, क्योंकि यहाँ पे तो इट वाज़ होम टू रॉबर्स। यस, और यहाँ पे ना बच्चों के लिए वो भी कर रखा है कि उनको कुछ पजल्स दे रखी हैं, दे हैव टू लुक फॉर सर्टन थिंग्स, कुछ उनको देखने हैं पजल्स और उसके बाद उनके आंसर्स निकालने हैं। तो वो जो ट्रेल फॉलो कर रहे हैं वो इसमें बहुत सारे क्लूज दे रखे हैं विच दे हैव टू फिगर आउट कि ये क्या चीज़ें हैं। एंड सो इसलिए इंटरेस्टिंग है, दोनों ही अमायरा और विहान दोनों के पास ही कुछ कुछ लिस्ट ऑफ पेपर है जिसमें थिंग्स क्लूज लिखे हुए हैं एंड दे हैव टू फाइंड आउट यहाँ पे जो हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं। सो आई थिंक अमायरा को तो कुछ कुछ लिस्ट में ना कुछ कुछ लिखे जा रही है, ऑल दैट शी इज फाउंड। सो
सो ऑब्वियसली सबसे फेमस रॉबर तो यहाँ का रॉबिन हुड ही है, जिसकी इतनी सारी स्टोरीज हैं. बट काफ़ी अच्छा इन्होंने ऐसे कर रखा है कि छोटा सा फॉरेस्ट है, उसके ऊपर कोई कहानी है, यू नो, उसमें कोई स्टोरी है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है. एक तो ओपन में है, आउटडोर है, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और बड़े भी इंजॉय करते हैं, वेदर अच्छा हो तो. दैट्स अ गुड थिंग. तो विहान को अपना फर्स्ट क्लू मिल गया है. एंड विहान, व्हाट डू थिंक इट इज द फर्स्ट क्लू? किंग रिचर्ड. ओके, सो उसको अपना अभी वो लिखना है. एंड वो मैं कह रही हूँ, इतनी सिंपल चीज़ है जो उन्होंने बना रखी है, एंड इट्स अ गुड वे ऑफ अर्निंग मनी. अरे पीछे देखो, इतने सारे यहाँ पे फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं. ओह लुक एट दिस, विहान एंड अमायरा, लुक व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर. नो बेटा, वो देखो वहाँ पे वो वाटर स्प्रे कर रहे हैं. लेट मी शो यू, यहाँ पे इतने सारे फील्ड्स हैं और इनमें देखो वाटर स्प्रे हो रहा है. हाउ नाइस. व्हाई, इट्स अ वेरी कोल्ड डे. या बट आई थिंक वो प्रोग्राम कर रखा होगा ना, इधर इट इज दैट, और हो सकता है कोई वो हो, इंसेक्ट की मेडिसिन डाल रहे हो. सो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेल्स हैं. हम कर रहे हैं मेजर ओक ट्रेल, विच इज़ द ब्लू वन. सो हर जगह पे जो है साइन लगे हुए हैं, वी जस्ट हैव टू फॉलो द कलर कोड और आप फिर देन यू विल फॉलो योर ट्रेल. वैसे उन्होंने कहा था विजिटर सेंटर में कि यहाँ पे लोग जो ड्रेसअप होके भी खड़े होंगे, जैसे कोई शेरिफ बना होगा, कोई रॉबर बना होगा. सो लेट्स सी, अभी तो कोई मिला नहीं है, बट आई एम होपिंग मिलेंगे हमें रास्ते में एज वी गो फर्दर. यस बेटा. ओके, तो ये है मेजर ओक, जिसके अराउंड पूरी ट्रेल बना रखी है ओक ट्री की. सो लेकिन मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा कोई स्टोरी से इसका रिलेशन होगा, बट ये कोई स्टोरी से रिलेशन नहीं है, ये ऐसे ही इन्होंने बना रखा है एक ओक ट्री के अगेंस्ट. सबसे ओल्ड ओक ट्री आई थिंक बिटवीन 800 टू 1100 ईयर्स ओल्ड. ओके, मुझे बहुत ढूंढने के बाद जो है ना इस ओक ट्री का सिग्निफिकेंस पता चल गया है. डू यू नो व्हाट द सिग्निफिकेंस इज ऑफ दिस ओक ट्री? नो. बेसिकली रॉबर्स दे यूज्ड टू हाइड इनसाइड दिस ओक ट्री बिकॉज वेरी बिग. इसकी स्टेम्स जो कितनी बिग है, यू कैन हैव अ स्मॉल यू नो कोव इनसाइड इट, कैन लिव इनसाइड इट, यू कैन हैव अ सी टेबल, अ स्मॉल कॉट इनसाइड इट. सो दैट इज व्हाई दिस वाज यूज्ड टू हाइड फ्रॉम शेरिफ्स. जब पुलिस चेक करने आती होगी, दे यूज टू हाइड इट हियर, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इतने सारे मेटल डिटेक्टर वाला जो नोटिस लगा है, डू नॉट डिग होल्स, मेबी इट्स बिकॉज़ ऑफ दे मस्ट बी बरिंग देयर ट्रेजर हियर. सो दैट इज व्हाई. ये देखो मुझे क्या मिला है, बहुत ही फनी पोस्टर मिला है मेटल डिटेक्टर्स के लिए, प्लीज स्टॉप डिगिंग होल्स अराउंड द फॉरेस्ट. तो मुझे लगता है कि ना काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पे बहुत पहले रॉबर्स थे इस फॉरेस्ट में, और उन्होंने कहीं पे ट्रेजर दबा रखा होगा. तो मे बी काफ़ी इमेच्योर मेटल डिटेक्टर्स आते होंगे और वो हर जगह डिगिंग करते होंगे, जहाँ भी उनका मेटल डिटेक्टर जो है वो बीप करता होगा. सो इट्स क्वाइट फनी. ओके, ये जो एक लेडी खड़ी है ड्रेसअप होके, शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू टेल एवरीबडी स्टोरीज अबाउट रॉबिन हुड. तो भी वेट कर रहे हैं. सो जो लेडी थी उसने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, वेरी नाइस. शी इन्वॉल्व एवरीबडी, जो क्राउड वहाँ था, चिल्ड्रन और ग्रोन अप, सभी को इन्वॉल्व करके उसने बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई अबाउट रॉबिन हुड. सो अब हम वापस जा रहे हैं. वापस क्या, बेसिकली वी जस्ट फॉलोइंग द ट्रेल. हमारी ट्रेल कम्प्लीट ही हुई है. ये सेंटर पॉइंट है किसी भी ट्रेल का जो है, घूम के यहीं, ये फोकल पॉइंट यही है जो यहाँ आते हैं. और यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है. यस, एक छोटा सा जनरेटर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे आइसक्रीम वैन और एक ये जो टी एंड कॉफ़ी शॉप है उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. अदरवाइज इट इज़ मोर और लेस इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, और यहाँ कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पिकनिक बेंचेस हैं. यस हमारा,
Why did you jump in the muddy puddle then? I didn't, I just walked there. But I didn't know it would bleed through my shoe. Of course it will. You're not wearing wellies. So now, we're just following the trail. और अभी आगे चलते हैं. सो अब हम शेवर्ड फॉरेस्ट से बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कार पार्क की तरफ. फिर वहाँ से फिर हम जाएंगे अपने होटल और चेक इन करेंगे. सो अब तो काफ़ी थक गए हैं एक्चुअली इतना फॉरेस्ट में वॉक करके. पर एनीवेज ये आगे चलते हैं. वैसे आई थिंक कि मैं व्लॉग जो है यहीं पे ही ख़त्म करूँगी क्योंकि उसके आगे फिर बहुत लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट व्लॉग में इसके बाद कंटिन्यू करूँगी. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.